Hi guys, welcome back to the channel. DILR, which is Data Interpretation and Logical Reasoning, is a CAT exam ka na sabse tough section mana jata hai. And over the years, aisa dekha gaya hai ki ye section make or break hota hai, which means ki ya to aapka CAT exam bahut acha hoga agar ye section acha jata hai, aur ya fir ke ye iklauta section aapke score ko le dubega. To main aaj is objective ke sath yahan baithi hu ki main aapka jo dar hai regarding DILR usko bhagana chahti hu. Let me explain to you ki agar aap isko logically approach karoge is section ko, to aap kaise isme acha score kar sakte ho. Firstly, we are going to start off with CAT exam में DILR section का क्या pattern रहा है और किस type के questions आते रहे हैं in the past. CAT 2022 में DILR section में total 20 questions थे जिन्हें आपको 40 minutes में करना था. ये 20 questions total 4 sets के थे जिनमें 5 questions each था. अब over the many years ये observe किया गया है कि DILR में ये जो 4 set आते हैं ना, इसमें से 2 doable होते हैं, यानी कि 2 तो आप कर सकते हो, चाहे मुश्किल से करो आसानी से करो, पर 2 किए जा सकते हैं. और एक set जरूर ऐसा होता है जो कि करना sort of impossible होता है. ये बात जानना क्यों जरूरी है कि आप सिर्फ 2 या 2.5 sets ही कर पाओगे, क्योंकि जब आपको ये बात समझ में आ जाती है ना, उसके बाद आपका DILR section को लेके जो mindset of preparation है वो completely change हो जाएगा. अभी क्या हो रहा होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन जब नहीं सॉल्व होता तो आपको बुरा फील होता है कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल पेपर में आप 2 या 2.5 सेट्स ही करके आने वाले हो. दिस टेल्स यू कि देयर आर 2 स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न फॉर DILR. फर्स्ट स्किल इज दैट ऑफ सिलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस. आपके पास 4 सेट्स होंगे, आपको कौन से 2 या 2.5 सेट्स करके आने हैं, दैट इज एन आर्ट ऑफ सिलेक्शन दैट यू नीड टू लर्न. दूसरा स्किल जो आपको चाहिए होगा, दैट इज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस फास्टर, यानी कि आप जितना भी स्पीड से सॉल्व कर पा रहे हो उसे और ज्यादा तेजी से आपको करना आना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस बोथ दीज स्किल्स जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे डेवलप करने हैं. फर्स्ट स्किल था आर्ट ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि 4 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन आपको करना है. आप जब भी किसी भी सेट को सॉल्व करते हो, आपको अपने दिमाग में एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी नोट करनी जरूरी है. मैं जब भी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं अपने दिमाग में इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, EMD, इनको यूज करती थी टू डिनोट कि ये सेट किस टाइप का लग रहा है. ये चीज आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा डेवलप होती जाती है, लेकिन इसके लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज टू गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स. जितने भी क्वेश्चंस DILR के सेक्शन में CAT एग्जाम में आ चुके हैं इन द पास्ट, उससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस CAT एग्जाम में आते हैं और कौन से क्वेश्चंस टफ होते हैं और कौन से इजी होते हैं. एक बार आप वो जान जाओगे, उसके बाद जब आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को पिकअप करोगे फॉर प्रैक्टिस, इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू स्पॉट कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इजी नेचर का है, मीडियम है या डिफिकल्ट है. सो उसके लिए आई वुड रिकमेंड दैट यू कैन चेक आउट द स्पॉन्सर्स ऑफ टुडेज वीडियो, विच इज ओसवाल बुक्स. ओसवाल बुक्स का मैंने इस चैनल पे काफी बार नाम लिया है, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि उनकी एक न्यू बुक आई है विच इज CAT 10-year पेपर्स. इसमें उन्होंने पिछले 10 साल के जितने भी CAT एग्जाम के पेपर्स हैं उनको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको DILR सेक्शन का ट्रेंड एनालिसिस दिखाती हूँ जो कि इस बुक के बिल्कुल बिगिनिंग में गिवन है. यहाँ उन्होंने दिखा रखा है कि 2020 में जो सेट आया था वो वेन डायग्राम का था, 2022 में जो सेट आया था वो अरेंजमेंट्स का था. इस बुक में तीनों सेक्शंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस मेंशन है. देखिए, जैसे अगर मैं आपको DILR का एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक गिवन है, उसके कॉन्सेप्ट्स गिवन है, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग गिवन है, यानी कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था जो इस पर्टिकुलर टाइप का था. हर पर्टिकुलर सेक्शन के सारे चैप्टर्स इस बुक में गिवन है और इनके डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन किस हद तक की डिफिकल्टी का था और कैसे सॉल्व करना था. सो अगर आप ओसवाल बुक्स की ये बुक या फिर की कोई भी और बुक भी चेकआउट करना चाहते हो, तो आई विल एड देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिंड कॉमेंट. सो आपके लिए सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हैं टू अंडरस्टैंड कि CAT का जो डिफिकल्टी लेवल है DILR का, उसका क्या बेंचमार्क है. एंड देन आपका जो भी सोर्स है, चाहे आप बुक्स यूज कर रहे हो या मैंने इवन एक वीडियो भी बनाई थी ऑफ फ्री DILR क्वेश्चंस जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप अगर उनको भी यूज कर रहे हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि बेस्ड ऑन दोज पास्ट ईयर पेपर्स जो आपने ट्राई किए थे, ये क्वेश्चन किस लेवल का है, ये इजी है, मीडियम है या डिफिकल्ट है. इस चीज से आपको 2 फायदे होंगे.
सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपको टफ सेट्स को स्पॉट करना आ जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। अगर आप टफ सेट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा, एटलीस्ट यू विल नो कि दैट इज परफेक्टली ऑलराइट, क्योंकि ये सेट तो आप एनीवे स्किप करोगे इन द फाइनल एग्जाम। दूसरे स्किल की जिसकी हमने बात की थी, दैट वॉज टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर। नाउ हाउ डू यू सॉल्व द सेट्स फास्टर, उसके लिए मैं आपको तीन टेक्निक्स बताऊंगी जो मुझे हेल्प की थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। पहली टेक्निक को बोलते हैं यूजिंग नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ये चीज आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में यूज कर रहे होगे, बट सबकॉन्शियसली। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एक सेट है जिसमें तीन दोस्त हैं, अभिलाषा, अनामिका एंड अरुण, तो आप उनको डिनोट करते हो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो विद अ पर्टिकुलर वे। कई लोग हो सकता है फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट यूज करते हो, कई लोग हो सकता है फर्स्ट टू अल्फाबेट या फर्स्ट थ्री अल्फाबेट यूज करते हो। जैसे कि अनामिका को आप ए एन लिखोगे, अभिलाषा को आप ए बी लिखोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो आप यूज करते हो ना, चाहे फर्स्ट टू अल्फाबेट्स या फिर के कोई भी सिस्टम, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू कीप इट स्टैटिक, टू कीप इट स्टैंडर्ड। अगर आप एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर यूज करोगे तो आपकी स्पीड ऑफ सॉल्विंग द सेट्स बढ़ जाती है। सो द फर्स्ट सजेशन आई हैव फॉर यू इज टू यूज अ स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर। आप ऑलरेडी यूज कर रहे होगे, बस उसको सॉलिडिफाई कर लो कि वो क्या है जो आप यूज कर रहे हो, एंड हर सेट में उसी को ही रिपीट करो। दूसरी एडवाइस जो मैं आपको दूंगी, दैट इज टू यूज ट्रिक्स। DILR में बहुत ही लिमिटेड टाइप्स हैं और हर सिंगल टाइप में एक सर्टन ट्रिक या फिर एक सर्टन डायग्राम बनता है, जो आप देख भी रहे होगे कि अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो तो हर बार वही सर्कल्स बनते हैं, या फिर कि अगर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट करते हो तो हर बार सेम ही टाइप की चीजें होती हैं। तो वो जो ट्रिक है ना, वो आपको तब आएगी जब आप हर पर्टिकुलर टाइप की कम से कम 20 या 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। जब आप बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ट्रिक्स। इसके अलावा ये ट्रिक्स बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी सिखाते हैं। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप एलीट स्क्रिप्ट, रोधा और स्टडी बज, तीनों ने बहुत सारी फ्री वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप उनकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हर पर्टिकुलर टॉपिक की जो ट्रिक्स हैं वो क्या होती हैं। द थर्ड सजेशन आई हैव फॉर यू इज टू फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस। किसी भी DILR सेट में अगर 4-5 लाइन्स गिवन है, जिनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, उन 4-5 लाइंस में से ना आप हमेशा एक लाइन के साथ ही स्टार्ट करोगे। सो आपके लिए जो टास्क बन जाएगा वाइल प्रिपरेशन, दैट इज कि आप पहले तो सेट को नॉर्मली अटेम्प्ट करो जैसे भी आप कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी गिवन बुक या ऑनलाइन सॉल्यूशन चेक करो। जब आप सॉल्यूशन चेक करते हो तो ये चीज नोटिस करो कि कौन से पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन ओपन होना था या स्टार्ट होना था, एंड ट्राई आइडेंटिफाइंग कि आपने कौन से ओपनिंग सेंटेंस को यूज किया एंड क्या वो सेम था। द मोर यू प्रैक्टिस दिस ना, कि कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है, कौन सी कंस्ट्रेंट को डिकोड करना है, यू विल डेवलप दिस एबिलिटी टू स्पॉट द सेंटेंस जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होना है, एंड दैट विल सेव यू टाइम। DILR टाइम लेता है, सो यू हैव टू बी पेशेंट, बट अप्रोच इट विद द राइट माइंडसेट एंड आई एम श्योर यू विल रीच देयर। इसके अलावा अगर आप वर्बल एबिलिटी के ऊपर भी एक वीडियो देखना चाहते हो, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इट टॉक्स अबाउट सम अमेजिंग स्ट्रेटजीज टू स्कोर वेल इन दिस सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज।